अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक हैं और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी, आज हम विज़िट करेंगे एक एशियन सुपरमार्केट का, जिसका नाम है ओशन। तो अब हम देखेंगे कि अंदर जाके इस फ्रेश फूड मार्केट में हमें क्या कुछ मिलेगा। लेकिन अंदर जाने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलें फिर अब हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस सुपरमार्केट में हमें क्या कुछ मिलेगा। तो जी, स्टोर तो बहुत बड़े साइज का लग रहा है और एंटर होते ही ये फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का सेक्शन है। तो अब हम इसका पहले विजिट करते हैं और साथ साथ जो चीज हमें चाहिए होगी वो हम लेते जाएंगे। जी, यहाँ पर मुझे ग्रीन वेजिटेबल्स नजर आ रही हैं। पालक बहुत अच्छी है, ये साथ हरा धनिया जो है ये बहुत फ्रेश और अच्छा साइज है इसका, ये एक हम ले लेते हैं। मेथी भी बहुत अच्छी है। ये पता नहीं क्या है, बाकी इस सेक्शन में भी जो है काफी जी। तो ये डिफरेंट टाइप्स की, तो ये क्या है, ये पील पोटैटो है। ये शेप में उन्होंने काट के देखे कैसे रखे हैं, यानी कैसी कैसी सब्जियां हैं यहाँ पर जिनका पता भी नहीं है। तो एशियन सुपरमार्केट में आके ना इस तरह की आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नज़र आएंगी जो आपको दूसरे स्टोर्स में नहीं नज़र आती। टमाटर की प्राइस काफ़ी अच्छी है, तो हम यहाँ से टमाटर भी ले लेते हैं। यहाँ पर जो उनसे एप्पल्स हैं काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और इसकी प्राइस भी जो उनसे है वो काफ़ी रीज़नेबल है। तो हम यहाँ पर एप्पल भी थोड़े से ले लेते हैं। तो जी, यहाँ पर मुझे मैंगोज नज़र आ रहे थे, तो मैंने कहा आपको भी मैं दिखाती हूँ कि इतना बड़ा साइज़ है एक मैंगो का, बहुत बड़े साइज़ का मैंगो है। ये छोटे साइज का मैंगो है और ये देखें ये कितना बड़ा साइज है। तो ये जी फ्रेश फ्रूट वाली जगह पे एक रिड्यूस सेक्शन बनाया हुआ है कि कोई चीज की पैकिंग अगर खुल जाती है या जो भी प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पर रख देते हैं, तो रिड्यूस प्राइस कर कर जिसको जरूरत होती है वो यहाँ से ले लेता है। तो जी, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल वाले सेक्शन में हमने काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया है, तो अब हम जो है बाकी भी स्टोर का विजिट करते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या है यहाँ पर।
आपने देखा कि यहाँ पर काफ़ी टाइप्स की फ़िश है, यानी कि फ्रेश फ़िश भी आपको मिलेगी। इसके अलावा बहुत बड़ा मुझे जो है यहाँ पे फ्रोज़न फूड का सेक्शन नज़र आ रहा है, और बाकी दूसरे ग्रॉसरी स्टोर्स की तरह और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। लेकिन स्पेशल यहाँ पर क्या है वो हम आगे चलकर अब देखते हैं। जी आपने देखा कि यहाँ पे रेस्टोरेंट भी था, लेकिन यहाँ से आप टेक अवे कर सकते हैं, मीट भी था। इसके अलावा मुझे यहाँ पर ये क्रॉकरी भी नज़र आ रही है, ये डिफरेंट बर्तन जो उनसे हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पर नई नज़र आई है कि वेजिटेबल ऑयल की बहुत बड़ी पैकिंग है।
क्योंकि ये आम आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर में नहीं मिलेगी इतनी बड़ी पैकिंग। 16 लीटर का है ये। तो जी यहाँ पर जोन से ना मुझे अपने देसी मसाले भी काफी नजर आ रहे हैं और प्राइस भी ठीक है और काफी वैरायटी है इनके पास। तो जिनसे छोटे ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं उनकी बजाय अगर हम यहाँ से बाय करें ना तो आपके बिल में काफी आपको डिफरेंस फील होगा। तो जी यहाँ पर मुझे जनसी एक और जगह काफ़ी अच्छी लगी है, वो ये है कि यहाँ पर कोकोनट मिल्क और कोकोनट से डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कलेक्शन है। तो कोकोनट क्रीम जनसी है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा टिन जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो भी उनकी भी ह्यूज वैरायटी यहाँ पर आपको मिलेगी। एक और मज़े की चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आई है वो ये है कि अक्सर बच्चे ज़िद बहुत करते हैं जेलीज़ के लिए, तो लेकिन यहाँ पर मुझे जो सी है हलाल जेली नज़र आ गई है तो हम इसको भी बाय करेंगे। तो जी आज की जो विज़िट में एक चीज़ मुझे पता चली है कि अगर आप ओशन स्टोर का विज़िट करें तो ये लोग डेबिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं या आप कैश में पेमेंट करेंगे। इस चीज़ का मुझे नहीं पता था, ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। तो अगर आप यहाँ पे विज़िट करें तो इस बात का ध्यान रखें कि अपने साथ कैश लेके आएँ या फिर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। तो मुझे तो यहाँ पर आज जो है काफ़ी नई चीज़ें नज़र आई हैं। तो आई होप आज आपको भी इस सुपर मार्केट का विज़िट करके अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।